ओ पिज्जा रेडी हो चुका है और पिज्जा आ रहा है। देखो आप लोग बताओ अभी। फाइनली आ गए हम लोग एवरीवन। तो अभी मैं अपने भाई को लेने के लिए इंडिया में ना, आप लोग बताना, देखो कैसे बोल रहे मेरे भाई को, मेरे लिए नहीं बनाती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई को लेने के लिए। तो ये जो है बाइक चला रहे हैं और मैं बैठी हूँ पीछे, निकल रहे हैं अभी लेने के लिए, रास्ते में है। चलिए फिर मिलाती हूँ आपको। फाइनली आ गए हम लोग एवरीवन। तो आ गई मैं अपने भाई को लेने के लिए, इंडियन ब्लॉगर अरबाज को लेने के लिए। तो चलिए फिर घर पे जाके बात करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है और यहाँ पर सब सामान रखा हुआ है। तो मिलती हूँ थोड़ा देर में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर और ये जो मेरा भाई है ना, इसने अपना ब्रश घुमा दिया बस के अंदर। तो मैंने इसको नया ब्रश निकाल के दी, मतलब जब मैं गई थी ना डीमार्ट तो वहाँ से लेकर आई थी ये वाला। तो आप लोगों को याद तो नहीं होगा वैसे, बट कौन सा कलर लिया भाई, ब्लू वाला है। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरे भाई से मिल के कैसा लगा। तो ये मेरा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा भाई है। मेरी छोटी बहन दिखाओ यहाँ पर। हाँ इसकी छोटी बहन है, इसको भांजी कोई नहीं बोलेगा, छोटी बहन ही बोलेंगे। उठ के बैठ गई मामा के आने की खुशी में, उठ के बैठ गई, रात में नाच रहे थे। इसको बताओ, वो देखो कैसा नींद में सूटी है। सना सलाम करो बेटा। सना अभी उसको शर्म आ रही है मामा को देख के, मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा है मेरा मामा इधर है घर में, है ना। और अभी हम लोग कर रहे हैं मुंह धोने वाले, ब्रश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और फ्रेश पियेंगे चाय। चाय कौन बनाएगा? तो चाय मैंने बनाऊंगी आज, आज चाय तुम बनाएंगे। चाय कोई बनाया बोलो। अच्छा बताओ आप लोग कि रोज चाय मैं बनाती हूँ ना, कभी इनका भी काम है ना मुझे चाय पिलाने का, सही बोलना, गलत बात है। आलिया बोली पापा बनाएंगे। अच्छा सब लोग ने बोले तुमको फ्रिज दिलाने के लिए, फ्रिज दिलाना है तुमको मुझे, समझे। खाना बनाना तुम्हारा काम, काम करना तुम्हारा काम है। काम बोले तो बाहर का काम, तो अभी बोलो ना काम, अभी बोलो ना काम, काम बोलो ना तुम्हारा है, बाहर का काम हमारा है, खाना बनाना तुम्हारा। तो चलिए फिर फटाफट मैं ब्रश कर लेती हूँ और फिर चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी मस्त, फिर थोड़ा देर में मिलती हूँ आप लोगों से। कमेंट करो, कमेंट करो यार, बरसी बरसी नहीं, नहीं। पाजा भाई वीडियो में आ गए इसलिए वीडियो के व्यूज बढ़ रहे हैं, व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। देखो कैसा, क्या बोलते हैं, भौनी को प्यार और बहन को, बहन को कुछ नहीं देखा मैंने। बोले अच्छा ज्यादा लाड़े में मत आओ, लाड़े में आ रहे, थोड़ा इतना आ रहे, इतना आ रहे। साले ने तारीफ कर दिया ना, लाड़ में लाड़ में नहीं आ कैसे चलेगा, साले ने तारीफ कर दिया ना तो थोड़ा लाड़ में आ रहे। इतना मत, नहीं बहुत। इतना मत, भाई मेरा है, तुम्हारा साला है। उसने मेरे लिए दो टोकरी, दो कट क्या बोले इसको, इतना भर के लेके आया, क्या लेके आया, सीताफल, इसमें भी सीताफल है, इसमें भी सीताफल है, अब बोलो। और क्या क्या है चीजें बिताते हैं तुम लोग को चाय नाश्ता करने के बाद, फिर ठीक है तब तक के लिए बाय बाय। वापस सवाल, चाय कौन बनाएगा? चाय मुझे ही बनाना पड़ेगा, और क्या जाओ।
तो जिस चीज का इंतजार था इतने दिनों से, चाय की पत्ती का, जो कि हम चाय ढंग से नहीं पी पा रहे थे, तो अब मेरा भाई लेकर आ चुका है, तो सबसे ज्यादा बड़ी खुशी इस चीज की हो रही है, मुझे चाय पत्ती मेरी आ गई है। तो मैं ना पहले सबसे पहले चाय पत्ती निकालूंगी, बाद में आप लोगों को बताऊंगी बाकी की चीजें, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने देखो मेरे लिए क्या क्या भेजे, माँ का प्यार देखो कैसा होता है, माँ का प्यार देखो कैसा होता है। नहीं, ये मेरे भाई के कपड़े, अभी अभी देखते हैं। तो ये आ गई हमारी चाय पत्ती, और उसके साथ है मेरी जान, मेरी बुक्स, जो कि मुझे बहुत प्यारी है। तो आप लोग सोच रहे हैं मेरी बुक तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, जी हाँ मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये है चाय पत्ती जो कि आ चुकी है गांव से, अब बनाऊंगी मैं फटाफट चाय। और क्या इसके बोल रही है अपने व्यूअर को, व्यूअर YouTube फैमिली, तुमको बोल रही हूँ, YouTube फैमिली अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि तुम्हारे बंबई, नहीं नहीं तुम लोग को बोल रही है, नहीं तुम लोग को बोल रही है, नहीं मेरा तो गाँव है ना, मैं तो यहाँ पर बाद में आई हूँ ना। नहीं 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 तुमने बोलिए तुम्हारी इधर नहीं मिलती है, ये मेरी बुक्स आ गई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब ये कलेक्टर बनने वाली है। देखिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों से भी ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए। और देखिए कभी भी काम आते हैं, हम अगर एजुकेशन हमारा पूरा कर लेते हैं 10वीं 12वीं, हमें कभी भी सर्टिफिकेट कभी भी काम आता है ना, तो पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत पेट में मुझे ना मुँह धोते बराबर चाय पीने की बहुत आदत है, मतलब ऐसा लगता है फटा से मुँह धोने के बाद फटा से चाय पीऊँ, नहीं पीऊँगी ना तो मुझे अजीब सा होने लगता है मेरे पेट में। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ा देर में। हाँ, खुद को होता है और हम बोले चाय बनाने के लिए तो हाँ? क्या करते पता है, सुबह मैं जब उठती हूँ ना जल्दी, जिस दिन तो ये उठते नहीं है, सोते रहते हैं, मतलब मुझे परेशान करते हैं, इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, जब ये उठते हैं ना तो मैं उठती नहीं हूँ, इनको एहसास दिलाने के लिए। क्या एहसास दिलाने के लिए, कि कैसा लगता है। अब मैं तो चाय बना के पी सकती हूँ, लेकिन मैं इनका वेट करती हूँ कि मैं सोचती हूँ इनके साथ चाय पीऊंगी। देखो ये औरत बहुत झूठी है, ये औरत बहुत झूठी है, बंद करो क्या। चलो चाय बन रही है, देखते हैं नई चाय बन, ये हमारी पुरानी चाय पत्ती है, नई चाय पत्ती, पुरानी चाय पत्ती जिसमें हम लोग अच्छी चाय पीते हैं, इसमें अच्छी लगती है चाय। आज बोलेंगे ना चाय अच्छी लग रही है, हाँ है ना, हाँ बोलो है ना। जाओ ब्रश करो बेटा, जाओ जल्दी से। तो दोनों भांजी लोग उठ चुके हैं मामा के आने की खुशी में, और आज चाय थोड़ी दादी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं और मामा भी आ गए हैं, और इधर हो रहा है दूध गर्म, तो फटाफट चाय बनेंगी फिर हम लोग पियेंगे, और मैं दिखाती हूँ आपको डब्बे में क्या है, एक सेकेंड। वैसे तो मेरे अम्मी तो ब्लॉग देखते नहीं है, बट फिर भी थैंक यू सो मच, देखते हो, उनके पास फोन नहीं है बड़ा वाला, इसलिए रहता तो देखते हैं जरूर, दे दिए आलिया सेना को ना, इसलिए। तो चाय बन रही है। आज लग रहा है चाय का कलर पहले जैसा, वो वाली पीली गा रही है। तो चम्मच निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो अभी हम लोग की चाय बन चुकी है और चाय पी रहे हैं, और साथ ही साथ मेरी मम्मी को वीडियो कॉलिंग पे बात भी कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो वीडियो कॉलिंग पे बात भी चालू है। और यहाँ पर अभी हम लोग ने चाय में डाल दी घी, ये है मेरी अम्मी, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई, तुमने अब दिख रहा है, हाँ ऐसे वैसे होकर थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई, इस वजह से दिख नहीं रहा है, हाँ ऐसे दिख रहा है, अभी से ऐसे दिख रहा है, अभी दिख रहा है आप लोगों को मेरी अम्मी का फेस। तो ये मेरी मम्मी है वीडियो कॉलिंग में, तो अभी नानी नवासी की बातचीत हो रही है। तो अभी हम लोग है ना चाय में मस्त घी डाले और चाय को एंजॉय कर रहे हैं, ये है मेरे भाई का कप, और बाकी सब लोग बैठे, अलीना बस सोई वाली है, सब लोग उठे हैं बस अलीना ही सोई है। भाई का कप बता रही, मेरा कप नहीं बता रही, ये ऐसी करते, ये ऐसी करते हमेशा, इनका ऐसी रहता, हाँ देखो इनका कप, हाँ इनको भी घी दिए, पिघल गया घी, तुम्हारा घी पिघल गया, थोड़ी जलन हो रही ना, जलन हो रही, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, मेरा कप कैसे बताया, हाथ दर्द देने लगा, फोन पकड़ पकड़ क्या बोलेगी। तो खोलते हैं पिटारी और देखते हैं क्या है खजाना इसके अंदर, ठीक है, गांव से भेजा हुआ खजाना,
गिरी गिरी छू, क्या है इसके अंदर, क्या है? तो आ जाओ आप लोग भी देखने के लिए क्या है। अरे तो ये देखो ये है ना, मतलब थोड़ा सा पक गए ना, ये पकने की वजह से मतलब ये ऐसे हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी ने कितने सारे सीताफल दिए, और इसमें भी है पता है आप लोगों को। तो ये कपड़ा ना बंधा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ उसको खोल लेती हूँ पहले। सबसे पहले तो गाटी थोड़ी सी वो है, मुझे नहीं लग रहा खुलने वाली है, ठीक है, खुलने वाली नहीं थी इसलिए कट कर दिया ऊपर वाला, क्योंकि वैसे भी वो कपड़ा कुछ काम का है नहीं। तो इसमें देखते हैं, ये देखो, सुनो ना, ऐसे थंबनेल निकालो, थंबनेल के लिए बच्चे भी बच्चे बच्चे भी दिख रहा है। अरे बस तू भी जा, बैठो वहाँ पे जा। ये दिल्ली में क्या है? तो ये सीताफल अभी हम लोग निकालेंगे। तो ये कच्चे हैं ना, थोड़े अभी थोड़े कच्चे पके हैं, तो इसको फटाफट से अभी पकने के लिए इसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं। तो इसके अंदर कुछ पहले निकालेंगे, इसको देखेंगे जो पका हुआ है वो बाहर निकालेंगे, जो कच्चा है वो अंदर रखेंगे। ये पका हुआ तो इसको ना इसी घास में और इसी कैरेट में रखेंगे। और ये क्या ऐसे ब्लॉगर है क्या, ब्लॉग भी शूट करने आता है इनको। सॉरी बैक कैमरा से बताएं। तो ये पक गए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना यमी है ये कस्टर्ड एप्पल। इसको इंग्लिश में आलिया और सना बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। खा के देखो बेटा, खाओ। अरे यम्मी, कितने दिन मम्मी ने दी यम्मी। थैंक यू सो मच यम्मी। कितने साल के बाद, कब, एक साल हो गया आपका, पता नहीं कब खाई थी, मुझे पता नहीं। एक साल तो अभी हम इसका बनाएंगे मस्त यम्मी वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, शेक। हां मिल्क शेक, सीताफल मिल्क शेक। चले फिर इसको डालती हूँ पकने के लिए, देखती हूँ इसके अंदर चेक करती हूँ क्या है, कौन सा पका हुआ है, कौन सा। रुक जा बेटा, अरे रुक जा बेटा, ऐसे नहीं। फिर उसको ना पकने के लिए डालती हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद आप लोग इसमें। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं जो है सीताफलों को पकने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से इसको पकाया जाता है, बहुत सारे लोग चावलों में डालते हैं, लेकिन चावलों में डालने की वजह से क्या होता है, सीताफल जो है ना काले पड़ जाते हैं और उसका मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से, जैसे हम लोग गांव में मतलब इस तरह से सीताफलों को पकाया करते थे, मतलब नीचे दो तीन चादर मैंने बिछा लिए और उसके ऊपर मैं यहाँ पर लेयर लगाऊंगी सीताफल की। तो इसमें से जो जो पके हुए हैं वो निकाल रही हूँ मैं, और जो जो कच्चे हैं वो उनको पकने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा भाई है, तो भाई से बातें कर रही थी मैं, मतलब कुछ बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था, तो वही। और यहाँ पर मशीन का तख्ता जो है मेरे आंग पर गिर रहा था बार बार, आप लोग देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से सीताफल बहुत सारे दिए हैं अम्मी ने, और यहाँ पर देखिए एक सीताफल जो है फूट गया है, तो इसलिए मैं प्लेट मांग रही थी, भाई से बोल रही थी कि प्लेट दे दो ज़रा, जो फूटा हुआ है उसको अलग साइड में रख देती हूँ। तो ये बच्चे लोग के खिलौने की गोनी थी जो मैंने उधर भिजवा दी, क्योंकि वो बार बार मतलब वहाँ से गिर रही थी, और ये मशीन का तख्ता भी गिर रहा है। तो यहाँ पर इतना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं इन सीताफलों को मतलब लेयर लगा रही थी, और आप लोग बोर हो जाते इतना देर तक देखते। तो इसको ना इस तरह से लगाना चाहिए, देखिए मैंने एक 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 करके सब बाजू बाजू में रख दिया है। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगी, ये जो घास जो आप लोग दिख रही है ना, तो थक गई हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सीताफल की लेयर लगाते लगाते एक लेयर नीचे लगाई है, उसके ऊपर घास लगा दिया है, और उसके ऊपर फिर दूसरी घास लगा करके दूसरी लेयर अभी लगा रही हूँ, और बाकी के पके हुए सीताफल जो है यहाँ पर थाली में निकाल दिया है। और यहाँ पर जो है ये तख्ता है जो कि गाँव से अभी मेरी मम्मी ने भेजा है, और थोड़ा सा यहाँ पर किचन में मेज फैला हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है और काम तो अभी करना बाकी है, काम जारी है मेरा, कर रही हूँ, पहले ये सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको पहले करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से सारे काम करूँगी। बर्तन तो सुबह ही मैंने धुल दिए थे, ठीक है। तो सारी लेयर्स लग चुकी है, अब मैं जा रही हूँ उसको कवर करने के लिए, इसको अच्छे से कवर कर लेती हूँ, सब लगा लिया है, ऊपर से घास इस पर डाल दी है, अब दूसरी चादर से इसको कवर कर लूँगी, और फिर उसके बाद अपना काम कर लेती हूँ फटाफट। मेरा भाई बैठा हुआ है अभी, और इसकी फरमाइश है पिज़्ज़ा खाना है इसको, तो मैं बना रही हूँ अपने भाई के लिए पिज़्ज़ा, और ये भी आ चुके हैं काम पर से। ये सुबह भी ऐसे कर रहे थे चाय के टाइम पे, अभी भी ऐसे कर रहे थे। क्या सही बोलो तो हस्बैंड ने क्या खाया परसों के दिन, और परवेश भाई तुम कुछ बोलना चाहेंगे?
यू आर बहुत दिनों बाद आया ना, एक साल के बाद आया मैं यहाँ पर, इसलिए पिज्जा मेरे लिए बन गया भाई। कोई तो एक साल के बाद आया तो ऐसा नहीं करा हमारे पे। अरे खुश हो गए सब बच्चे, वो देख के देखो। सुन तू तेरी बहन को मिलने नहीं तो इंडियन व्लॉगर, व्लॉगर आप ही को मिलने आया, इंडियन व्लॉगर आप ही को मिलने आया तू। आप लोग देख रहे हैं कैसी यहाँ पर इनकी मस्ती मजाक हो रही है और कैसे मेरे भाई को परेशान कर रही है, मजाक करे क्या बोलते हैं, टांग खींच रहे मेरी बहन की, मेरे भाई की, सॉरी मेरे बहन की बोलूं, मेरे भाई की। मैं टांग कब खींचा, वही तो मजाक कर रहे हैं। एग्जाम दो, मैं टांग कब खींचा, वही तो देखो एग्जाम, ये एग्जाम वो उधर बैठा है, मैं इधर बैठा हूं, मैं उधर बैठा हूं, वो इधर बैठा है। तो फिर कर रहे ना आप लोग, बताना देखो कैसे बोल रहे हैं मेरे भाई को, मेरे लिए नहीं बनाती। अरे अरे तुमने ऐसे इसका पहने, तो पिज्जा बनाने के लिए करो, बन रहा है पिज्जा अभी, पिज्जा बन रहा है मेरे को खाने के लिए। ये दिख रहा नहीं तुम पूरा काले काले, नहीं कैमरा साफ है क्या मालूम है क्या, तुम उजाले में बैठे हैं ना। कहा था ना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगी। तो सना ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाई है, तो मैं ना बिबिंदास मस्ती पर डालूंगी सना का ब्लॉग। सलाम करो बेटा। अच्छा इसने पाउडर लगाई मुंह पे, मैं बोल रही इसका फेस ऐसे क्यों दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहा है। हां तो मैं ना सेंटा क्लॉज हूं, सेंटा क्लॉज है, तो मैं सना का ब्लॉग डाल दूंगी बिबिंदास मस्ती पर, आप लोग जरूर देखना। आप लोग इतना हंसोगे ना, बहुत अच्छा बनाई है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू मेरे सोना बच्चा। तो देखो कैसे बैठे उधर, दिख ही नहीं रहे। अरे क्या तुमको आज ही धरती लेके गए क्या, ऊपर आसमान ऊपर लेके गए क्या था? अगर अगर क्यों लगा रही, इतने गोरे हो गए तुम कि देखो दिख नहीं रहे। अरे परेश भाई को देखो, कुछ काम वाम करने रहे, मैं आत्मा हुआ था। ये भटकती आत्मा आई है, मेरे हस्बैंड भटकती आत्मा है। और परेश भाई को देखो, काम धंधा कुछ है नहीं, सब छोड़ छाड़ के बस बैठ गए इधर। बोलो बोलो परेश। तो यहाँ पर मेरे जो भाई है ना, वो देख रहे हैं सना का ब्लॉग जो सना ने बनाई है। तो अभी हम लोग करेंगे अपलोड बिबिंदास मस्ती पर, तो आप लोग जरूर चेकआउट करना, ठीक है? ओके, तो मैं ना पिज्जा बना रही हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब अभी चिकन जो है ना वो रखा है मैंने, मतलब बनाने के लिए टिक्का बना रही हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी पिज्जा। तो यहाँ पर पिज्जे की तैयारी भी हो चुकी है, यहाँ पर शिमला मिर्च और कांदा भी मैंने कट कर लिया है। ज़्यादा मैं तामझाम नहीं करती हूँ, ठीक है? तो जितना है उतने में ही अपना मतलब बना लेती हूँ। तो पिज्ज़ा का जो रोटी थी ना वो मेरी देवरानी के पास ऑलरेडी पहले से थी, तो उसने मुझे कल दी थी बच्चे लोग को बनाने के लिए, क्योंकि परसों उसने पिज्ज़ा बनाई थी, हम लोग ने वही खाए थे। तो फिर रोटी और बच्ची भी थी, मतलब बहुत सारी मंगाई थी उसने, तो फिर उसने दी रोटी। फिर ऐसा हुआ कि भाई भी आ गया और भाई को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ही बना ही देती हूँ। पिज़्ज़ा की रोटी तो है, वेस्ट तो है ही, चिकन मंगाना है बस, और ऑलरेडी सारा सामान जो है वो तो घर में मेरे ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ पर दो आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है ना चिकन है। तो इसकी जो रेसिपी है आप लोगों को मैंने इससे पहले बताई हूँ, इसलिए मैं आज नहीं बताऊँगी। तो मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ, शायद दिख नहीं रहा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये चिकन है, अभी चिकन टिक्का, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इसके बाद जो है ये टमाटर केचप है। तो ये दोनों को मिक्स करके मैं इसमें ऐड करूँगी। और हमारे पास है ओरिगेनो, तो यहाँ पर है चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो है मेरे पास। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो है, शायद कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा। तो चलिए फिर बना लेती हूँ फटाफट, अपने भाई की ख्वाहिश पूरी करती हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। पास्ता, पास्ता भी पसंद है ना भाई, क्या नहीं? पास्ता नहीं, पास्ता नहीं खाता मैं, पास्ता नहीं पसंद है इसको, पास्ता नहीं पसंद, पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा और क्या, चिकन फ्राई। ये पास्ता से मत कर, पास्ता मेरे को पसंद है, मेरा फेवरेट है पास्ता। पास्ता लवर कमेंट करो, पास्ता लवर कमेंट करो जल्दी से। अरे मुझे पास्ता नहीं पसंद, लेकिन पास्ता 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 पिज़्ज़ा खा भटकती आत्मा लग रहे मोबाइल में, तो सब दिख रहे बराबर, सिर्फ तुम्हें भटकती आत्मा लग रहे है कि नहीं? ये परवेश बहुत बदमाश है, अभी ये वापस इसकी स्कूल चालू हो गई। ये ना ये बहुत कामचोर लड़का है। देखो अलीना ने क्या करी, मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो बोलो, हमको घड़ी पहनने नहीं मिल रही है और ये गुड्डे को घड़ी पहना रही है, बोलो। उसका ब्लड चेक कर रही है। अच्छा उसका वो ब्लड ब्लड चेक कर रही है, देखो उसके हाथ में रक्त लगा रही। क्या बाबा, मेरे हाथ में नहीं लगाया पापा तुमने? हार्ट बीट है वो, जो भी हार्ट बीट है वो। इंग्लिश तो आती नहीं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े बोलते, क्या बोले फिर से बोलो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े। देखो अलीना आप मेरा हार्ट बीट चेक कर रही है, ठीक है? अरे अलीना आप मेरा चेक करिए, आप मेरा चेक करिए, फटाफट।
तो अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं अपने भाई के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी, उसको बहुत ही मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चिकन यहाँ पर मंगा लिया था आधा किलो के करीब, और यहाँ पर कोयला जो है भूनने के लिए मैंने रख दिया है एक गैस पर। तो चिकन टिक्का पहले मैं बनाऊँगी, कोयले का धुआँ इसमें दे दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर पिज़्ज़ा तो रेडी हो रहा है, ये बच्चे लोग के लिए बनाया है, सिर्फ इसमें केचप और चिकन है। और यहाँ पर जो है मेरे भाई के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा मैं, क्योंकि उसको बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, उसने वीडियो में भी देखा और इंस्टा पर मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, और मैंने रील्स भी पोस्ट किया था। तो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और पिज़्ज़ा आ रहा है, तो लो भागते। भाई का पिज्जा रेडी हो चुका, लो परवेश। नहीं तुम दोनों को नहीं है, दो तो आ रही है। और अरमान का पिज्जा हां हां तुम्हारा तो मैं बनाऊंगी ना, देखो आप लोग बताओ अभी। तो देखिए शबनम आ गई है, शबनम ये मेरी देवरानी मुझे लड़ने के लिए आई है। तुमने मेरा कितना को करना चाहिए भाई, अच्छी तो दिख रही, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। एक जन ने कमेंट क्या करा पता है, बोले शबनम आपकी देवरानी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। यूं तो कितनी खूबसूरत दिख रही थी तू पागल, जाने व्यूअर्स भी भाई से भी पसंद करते। आप सब लोग बताना ये ऐसी अच्छी लगती है। कपड़े लिए थे मैं पूरे, मैं सलाम भी नहीं करी, सलाम करो। ये मेरी देवरानी है और ये ना अरबाज को मिलने के लिए आई है, पर अरबाज सो गया। ये तो कितने देर के बाद सलाम कर दिए, इसको मालूम ही नहीं कैमरा चालू है। तो यार बस सो गया, अरबाज को मिलने के लिए आई थी, और हुरेन पापा को भी लेकर आई है। हुरेन पापा उधर चिल्ला रही है, गाना गा रही है, उधर बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो हमारे हुरेन पापा, देखो सलाम करो बाबू, सलाम करो, सलाम करो बाबू, सलाम करो। आओ आओ, किसको बात कर रहे तुम, किसको बात कर रहे, किसको बात कर रहे? अल्लाह 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 अल्लाह। तो हमारी हुरेन पापा है, सब लोग माशाल्लाह बोलो जल्दी जल्दी। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में देवरानी है, परवेज है, भाई है, मैं हूँ, मैं तो रोज़ी रहती हूँ, सब लोग है ना, इसलिए ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आज हुरेन पापा भी है। हुरेन पापा ना रोती है ब्लॉग बनाने के टाइम पर, नहीं बोलती है ब्लॉग बनाने के लिए, नहीं बोलती ब्लॉग बनाने, नहीं बोलती तो ये जो है ना, ये पता नहीं है ना मेरे भाई का, ये फोसा आते रहते हैं, इन लोग का ऐसी मस्ती मजाक चलता रहता, क्योंकि आप लोग माइंड मत करना। भूल गई क्या बोले थे? तो हुरेन पापा मना कर रही मुझे व्लॉग बनाने। हां नहीं कर सकती।